बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ फिर जुड़ा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से। बजट 2023-24 जो कि नैकरान सेटअप ने पेश करना है, 4 माह का ये बजट होगा, उसमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए क्या कुछ रखा गया है, तमाम तर जो तफसीलात है इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। निगरान वज़ीर इत्तला'आत पंजाब आमर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि तनख्वाहों में 30% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की पेंशन में 20% का इजाफा किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें फेडरल की, तो फेडरल ने जो बजट पेश किया है उसमें सरकारी मुलाजमीन स्केल 1 से स्केल 16 तक के लिए 35% का इजाफा किया गया है, जबकि स्केल 16 यानी 17 से लेके स्केल 22 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 30% का इजाफा किया गया है। पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% का इजाफा किया गया है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल यही खबर चल रही है कि 30% का इजाफा किया गया है स्केल 1 से लेके स्केल 22 तक के मुलाजमीन के लिए, जबकि पेंशनर की पेंशन में 5% का इजाफा किया गया है जो कि इंतहाई कम है। जबकि अगर हम बात करें 80 साल से ज़ायद उम्र के पेंशनर की, उनकी पेंशन में 20% का इजाफा जो किया जा रहा है उसकी तजवीज़ इस वक्त सामने आ चुकी हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, अपने मुतलक मजीद मालूम और रहनमाई हासिल करना चाहते हैं तो अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकॉन है उस पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी पहुँच सके। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।